टू के अंदर अपने देख चुके थे क्लोरोप्लास्ट की संरचना, तो लवक पढ़ रहे हैं अपने। ये क्लोरोप्लास्ट का ही लवक का ही एक भाग है, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट जो है। क्लोरोप्लास्ट को भी अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है, इसके बाद में वर्णी लवक और उसके बाद में अपने देखेंगे अवर्णी लवक को। ठीक है, तो अपने देखे थे स्टार्टिंग में लवक, लवक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के लवकों में से क्लोरोप्लास्ट अपने पढ़ लिया था, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट सबसे पहले बात ये करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, पर वो करते क्या है, करना क्या है। वर्णी लवक जो है नाम से पता चल रहा है, क्रोमो यानी कलरफुल, वर्णी यानी वर्णक उत्पन्न करेंगे, यानी क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर रंग प्रदान करने का काम करेंगे। यानी प्लांट्स के अंदर पुष्पों में अगर किसी टाइप्स का रंग आ रहा है, पत्तियों के अंदर मान लो किसी का पुष्प रेड कलर का है, अगर किसी पादप की पत्तियां रेड कलर की है या वो पादप डिफरेंटली रेड कलर का है, येलो कलर का है, अगर ऐसा कोई नजर आता है तो वो सारे का सारा किसके किसके लिए करेक्ट हो जाता है, मैं वर्णी लवक के लिए। तो मैं यहाँ पे वर्णी लवकों की डेफिनेशन लिख रहा हूं क्या, कि वर्णी लवक पादप के रंगीन भागों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। वर्णी लवक क्या करते हैं? पादप के रंगीन भागों को रंग प्रदान करने का काम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे वर्णी लवक कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कैरोटीन हो गया, और क्या है, जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल जो है वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, वर्णी लवक है। कैरोटीन की वजह से प्लांट्स के अंदर डिफरेंट रंग कलर आएगा, रंग आएगा, और जेंथोफिल के कारण भी जिस टाइप का होगा उस प्रकार का रंग आएगा। एग्जाम्पल के लिए अपने देखें, जैसे मैं बात करता हूं टमाटर की, टमाटर पे क्वेश्चन आया हुआ है, जेट के अंदर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं कि टमाटर का रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, टमाटर लाल कलर का है वो किसके कारण है। तो टमाटर जो होता है वो लाल कलर किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। तो लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए सबके साथ, टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन। लाइकोपीन एक वर्णक है, लाइकोपीन क्या एक प्रकार का वर्णी लवक है, तो लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल कलर होता है। उसी प्रकार मिर्च की बात कर लेते हैं, यानी स्टार्टिंग में तो मिर्च कैसे कलर की होती है, हरे कलर की होती है, लेकिन हरे कलर के बाद में धीरे धीरे डिफरेंटली मिर्च के अंदर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो मिर्च के अंदर लाल कलर जो है वो किसके कारण आया है, वो मैं लिख रहा हूं, नोट करें, मिर्च में लाल रंग किसके कारण आता है, कैप्सिथिन के कारण, कैप्सिथिन। मिर्च का लाल कलर किसके कारण हो गया, कैप्सिथिन के कारण। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर, कैरोट जिसको अपने बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, गाजर का जो रेड कलर आता है वो किसके कारण है, तो गाजर का रेड कलर आता है बीटा साइनिन की वजह से, सॉरी बीटा साइनिन नहीं, इसके लिए बीटा कैरोटीन करना है, क्या आता है, बीटा कैरोटीन। तो गाजर के लिए लिख रहा हूं, नोट करें, गाजर का लाल रंग किसके कारण है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन है चाहे बीटा कैरोटीन है, बात करते हैं सीधी सी नॉर्मली कैरोटीन की, तो कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण तो क्या हो रहा है, गाजर का लाल कलर आ रहा है। वैसे कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का पूर्व पदार्थ होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कैरोटीन किसका, विटामिन ए का पूर्व पदार्थ। यानी अगर अपने को विटामिन ए का निर्माण करवाना है, विटामिन ए अपनी चाहते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन ए बने, तो अपने पर्याप्त मात्रा में क्या लें, कैरोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लें, जिससे क्या होगा, विटामिन ए का फॉर्मेशन होगा, विटामिन ए बनेगा। तो विटामिन ए किससे संबंधित होता है, आंखों से संबंधित होता है, तो विटामिन ए क्या करेगा, अपनी दृष्टि क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि सभी फल जो होते हैं, लगभग कई फल होते हैं जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, येलो कलर के होते हैं यानी थोड़े पीले कलर के होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, वो नॉर्मली कैरोटीन के कारण कैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं। तो फलों का पीला रंग किसके कारण,
कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्णीय लवक जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर, बात क्या करते हैं, करते क्या है प्लांट्स के अंदर, पादप के रंगीन भागों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। क्या काम है पादप के रंगीन भागों को रंग प्रदान करने का? एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है कि कैरोटीन और जेंटोफिल एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के वर्णीय लवक हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमने टमाटर की। टमाटर पे क्वेश्चन आ चुका है, जेट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, क्या पूछा गया था, टमाटर के अंदर जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। दूसरी बात करते हैं मिर्च, मिर्च में लाल रंग जो आता है वो किसके कारण आता है, कैटेप्सिन के कारण। और गाजर का लाल कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, ये भी नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, गाजर का लाल कलर आता है किसके कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। उसके बाद हम बात करते हैं कि फल जो होते हैं, फलों का हल्का पीला कलर होता है, जैसे आम पपीता की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो हल्का पीला कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कैरोटीन की वजह से। और बता दिया आपको कैरोटीन क्या होता है, कि विटामिन ए का पूर्व पदार्थ, यानी विटामिन ए के बनने से पहले अपने क्या चाहिए, कैरोटीन चाहिए, विटामिन ए का पूर्व पदार्थ होता है कैरोटीन। इसके बाद बात करते हैं, ये तो सारे के सारे हो गए वर्णीय लवक, ये तो प्लांट्स के अंदर अगर कलर आ रहे हैं, तो अगर पुष्पों के अंदर कलर आता है, जेट के अंदर एक बार क्वेश्चन आया गया था, नीट के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन कि पुष्प जो होते हैं, पुष्पों का रंग जो होता है वो किसके कारण रंगीन होता है, जैसे किसी टाइप्स के पुष्प जो होते हैं, जैसे कई पुष्प लाल होते हैं पीले होते हैं, तो पुष्पों का कलर जो होता है वो डिफरेंटली रंगीन जो आता है वो किसके कारण आता है, तो वो वर्णीय लवक के कारण नहीं आता है। आगे मैं लिखवा रहा हूँ आपको एक बार इसका, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या जो क्लास में बैठे हैं वो नोट कर लीजिए, हाँ भी नोट कर लीजिए, किसके कारण आता है, पुष्पों का रंग जो होता है रंगीन वो वर्णीय लवकों या क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं होता, वो होता है उनके कोशिका रस में घुलनशील वर्णकों की वजह से। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वर्णीय लवकों की वजह से पुष्पों के कलर जो होते हैं वो रंगीन नहीं होते, रेड कलर के या येलो कलर के नहीं होते, वो किसकी वजह से होते हैं, पुष्पों के कोशिका रस में जो जल है उसके अंदर घुलनशील वर्णकों की वजह से होता है, रेड या अलग अलग टाइप का। इसलिए आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी पुष्प की पंखुड़ी लीजिए और उसको पानी के अंदर निचोड़ के देखिए, डिफरेंटली पानी के अंदर घुल जाएगा वो कलर। तो क्या मतलब है इसका, कोशिका रस में घुलनशील वर्णकों के कारण पुष्प का कलर जो है वो कैसा होता है, रंगीन होता है, न कि वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट की वजह से रंगीन होता है। नोट कर लिया, हाँ मैं रफ कर रहा हूं। लिख रहा हूं आगे मैं क्या, कि पुष्पों का रंगीन भाग या पंखुड़ियां वर्णी लवकों की वजह से रंगीन नहीं होता है, जबकि उनके कोशिका रस में घुलनशील वर्णकों की वजह से रंगीन होता है। क्या बात लिखी है, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं कि पुष्पों की पंखुड़ियां या पुष्प किसी टाइप का कोई रंगीन है, रेड कलर का है, तो वो किसके कारण है, क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं है, वो उसके कोशिका रस में घुलनशील वर्णकों के कारण है। मैंने वही बात लिखी है, पुष्पों का रंगीन भाग पंखुड़ियां वर्णकों या वर्णीय लवकों की वजह से रंगीन नहीं होता, जबकि उनके कोशिका रस में घुलनशील वर्णकों की वजह से क्या होता है, रंगीन होता है। घुलनशील वर्णकों की एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने नंबर एक एंथोसाइनिन का, एंथोसाइनिन जो है वो भी जल में घुलनशील वर्णक है। एंथोसाइनिन क्या है, वाटर में घुल सकता है, जल के अंदर घुल सकता है, इसके कारण पुष्पों का कलर जो आता है वो कैसा आता है, बैंगनी या नीला कलर का आता है। तो यहां पे लिख देते हैं, जल में घुलनशील
वर्णक कलर कैसा आता है, नीला या बैंगनी रंग, यानी एंथोसाइनिन अगर किसी पुष्प के अंदर है तो उस पुष्प का कलर कैसा होगा, हल्का नीला भी हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, बैंगनी या नीला है तो एंथोसाइनिन है। दूसरे कलर की अगर बात करते हैं, दो नंबर का एग्जांपल लेते हैं किसका, एंथोक्लोर का, एंथोक्लोर, एंथोक्लोर जो है, एंथोक्लोर भी सेम कंडीशन रहेगी किसकी, ये भी जल के अंदर क्या है, घुलनशील वर्णक है, क्योंकि पुष्प के अंदर पाया जाता है, कोशिका रस में घुलनशील होता है, ये भी जल के अंदर घुलनशील वर्णक है। दूसरी बात, इसके अंदर पुष्प का कलर आता है पीला, कैसा कलर आएगा, पीला कलर। अगला तीन नंबर पे एग्जांपल लेते हैं किसका, बीटा साइनी, बीटा साइनी, बीटा साइनिन जो है, बीटा साइनिन की वजह से पुष्पों का रंग जो होता है वो लाल होता है, और यह भी जल के अंदर घुलनशील वर्णक है। तो वैसी बात है, पुष्प के रस के अंदर, पुष्प की कोशिका के रस के अंदर घुलनशील वर्णक है, तो बीटा साइनिन जल के अंदर भी सोल्व हो सकता है, जल के अंदर भी घुल सकता है, तो इसकी वजह से पुष्पों का रंग कैसा आता है, लाल। यानी अगर कोई पुष्प लाल कलर का है तो ऑक्सीकरण है बीटा साइनिन की वजह से, यदि कोई पुष्प पीला कलर का है तो वो एंथोक्लोर की वजह से, यदि कोई पुष्प नीला या बैंगनी कलर का नजर आता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, एंथोसाइनिन आएगा। तो ये तो अपने बात कर ली लवकों के अंदर, हरित लवक के बाद में क्रोमोप्लास्ट की यानी वर्णी लवकों की। तीसरे टाइप्स का जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। एक बार इसको नोट कर लें क्लास वाले भी, और आप भी एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। चलिए भाई ठीक है, रफ कर रहा हूं। आगे अपने को पढ़ने हैं तीसरे नंबर के, यानी अपने लवक स्टार्ट किया था, लवक के अंदर हरित लवक पढ़ रखे हैं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया है, उसके बाद में वर्णी लवक पढ़ लिए हैं, क्रोमोप्लास्ट। तीसरे नंबर पे अपने को क्या देखना है, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। तो सीधी सी बात है, अवर्णी यानी किसी भी टाइप्स का वर्णक नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं आएगा। तो ये कैसे होते हैं, ओबीसी बात है, पहली बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं है। दूसरी बात, इनका काम क्या है, काम जो इसका होता है वो होता है भोजन संग्रहण करने का। क्या काम है, भोजन संग्रहण करने का, यानी ये जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं और पादपों के अंदर क्या करते हैं, भोजन संग्रहण करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के टाइप की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं अवर्णी लवक, वो आगे वापिस से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वापिस से, तीन प्रकार के। सबसे पहले टाइप की मैं बात करता हूं, डेफिनेशन तो पता चल गई ना अपने को, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक किसी भी टाइप का वर्णक नहीं है, यानी ये रंगहीन होते हैं। दूसरी बात, ये भोजन संग्रहण करने का काम करते हैं, भोजन संग्रहण करने के आधार पर भी ये कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। पहले मैं बात करता हूं अमाइलोप्लास्ट की, अमाइलोप्लास्ट, ये हो गया अपना अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट ये इस प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट हैं, यानी ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हो, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हो क्या कहलाते हैं, अमाइलोप्लास्ट। क्या, कार्बोहाइड्रेट यानी ऐसे ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हो क्या कहलाएंगे, अमाइलोप्लास्ट। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं किसकी, इलियोप्लास्ट, ये हो गया इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो क्या करते हो, वसा का संग्रहण करते हो, यानी लिपिड को स्टोर करते हो, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो वसा का संग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, इलियोप्लास्ट। तो ये क्या करेंगे, वसा का संग्रहण करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेंगे, ये वसा का संग्रहण करेंगे। तीसरे टाइप्स के आते हैं वो कौन से हैं, नंबर तीन पे आता है एल्यूरोप्लास्ट, ये एल्यूरोप्लास्ट है, एल ले आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का संग्रहण करते हैं, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट का करते हैं वसा करते हैं, वैसे एल्यूरोप्लास्ट क्या करेंगे, प्रोटीन का संग्रहण करेंगे,
प्रोटीन। यानी मैंने क्या बताया, ल्यूकोप्लास्ट यानी एवरेन लेवल। एवरेन लेवल अपने इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं है, कलर लेस होते हैं, रंगीन होते हैं। मुख्य इनका काम क्या है, भोजन का संग्रहण करने का, भोजन संग्रहण करने का काम करते हैं। भोजन संग्रहण करने के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। तीनों में से सबसे पहला कौन सा है, अमाइलोप्लास्ट। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं क्या कहलाएंगे, अमाइलोप्लास्ट। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो वसा का संग्रहण करते हैं, वसा को स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इलियोप्लास्ट। और ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन का संग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एल्यूरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के संदर्भ में, एवरणी लवकों के संदर्भ में इतना ही कुछ है। इससे ज्यादा नीट के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बायो के अंदर क्वेश्चन नहीं आता, आता है तो फिर कोई बात नहीं, डिटेल से अगले लेसन में देखेंगे इसको डिटेल से। बाकी एक बार इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लवक के बारे में मैं बता देता हूँ, हाँ नोट कर लीजिए क्लास वाले भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया चले, ठीक है भाई। अब आप अलग से हेडिंग लगाइए, लवक वैसे समाप्त हो चुके हैं अपने भाई, हाँ भाई लवक समाप्त हो चुके हैं, वैसे एक्स्ट्रा में लवक के अंदर ही है ये, अलग से एक हेडिंग लगा लीजिए और लिखिए इटियोप्लास्ट। क्या लिखना है, इटियोप्लास्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके फाइव स्टार करके लिखना है इसको और पहले समझना। इटियोप्लास्ट क्या होते हैं, ये लवक का ही एक प्रकार है, लेकिन लवक के अंदर नहीं है, अलग ही प्रकार का है, अपने इसको साइड हेडिंग से देखेंगे, ठीक है। तो भाई इटियोप्लास्ट क्या होते हैं, यदि किसी प्लांट को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलाओ, यानी सनलाइट जो है यदि किसी प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में ना दी जाए तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट वर्णक जो क्लोरोफिल वर्णक जो है वो नष्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक जो है गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लांट्स कलरलेस हो जाएगा, यानी व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा, पत्तियां व्हाइट व्हाइट कलर की हो जाएगी। अगर उसी पादप को, उसी प्लांट्स को वापिस सनलाइट दी जाए, वापिस सूर्य का प्रकाश दिया जाए, तो सूर्य के प्रकाश के अंदर वापस क्या हो जाएगा, पादप हरा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इटियोप्लास्ट बोलेंगे। अब इटियोप्लास्ट मैंने क्यों समझाया है, ये तो आपको समझने के आधार पर सीधी डेफिनेशन सुन ली है, तो एक बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वापस रिपीट कर रहा हूं। इटियोप्लास्ट क्या है, यदि किसी प्लांट को सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो वो सूर्य के प्रकाश के अभाव में क्या हो जाएगा, इटियोलेशन हो जाएगा, उसका पांडुरता रोग हो जाएगा, मैं आगे बताता हूं उसके बारे में, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक है, क्लोरोप्लास्ट जो नष्ट हो जाएंगे। यदि उसको सूर्य का प्रकाश वापस दिया जाएगा तो वापस उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जिससे वो वापस प्लांट्स कैसा हो जाएगा, हरे कलर का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर आपने हमारे को एक्स्ट्रा में क्यों बताया, इससे संबंधित एक रोग आता है पांडुरता, कौन सा रोग, पांडुरता, या इसको बोलते हैं इटियोलेशन। अब पांडुरता या इटियोलेशन क्या है, पांडुरता रोग जो है वो इसी से संबंधित है, करना क्या है पांडुरता में, पांडुरता रोग किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन आता है ऐसा नीट के अंदर, दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, बाकी अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। तो पांडुरता रोग होता क्या है, पांडुरता रोग कुछ नहीं है, अगर किसी प्लांट को प्रकाश नहीं मिल रहा, प्रकाश के अभाव में उसका क्लोरोफिल पूरी तरह से नष्ट हो गया और प्लांट मरने की कगार पे आ गया हो, तो इस रोग को पांडुरता रोग बोलते हैं, इंग्लिश में इटियोलेशन बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि पांडुरता रोग जो है वो किसकी कमी में होता है, तो प्रकाश की कमी लिखनी है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पांडुरता रोग हो जाएगा, न कि किसी मिनरल्स या पोषक तत्वों की कमी से होता है, प्रकाश की कमी से क्या होता है, पांडुरता रोग। तो अपने लवक जो है वो फिनिश हो चुके हैं, आई होप सो पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, बाकी जो दूसरे पार्ट है वो देख लेना आप, और लवक समाप्त हो चुके हैं। अगले लेसन के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन पढ़ेंगे, किसका, न्यूक्लियस का, केंद्रक का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।